व्यापारी से हुए लूट का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने घटना का खुलासा करते हुए बताया, शाही थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर गांव के रहने वाले प्रतिष्ठित व्यापारी छोटे लाल गंगवार की सर्राफा की दुकान है, जिस पर उनके बेटे धर्मपाल बैठा करते हैं। 15 अगस्त की शाम दुकान बंद कर जब है अपने घर जा रहे थे तो बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की थी एवं आपराधिक घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एसपी ग्रामीण और एसपी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए, किस तरीके लूट की वारदात को अंजाम देते थे और किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई? बीती रात थाना शाही क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम और थाना शाही टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दो शातिर बदमाश विपुल और जगपाल जो कि शाहजहांपुर के रहने वाले थे, वो दोनों के पैर में गोली लगी और घायल हुए और एक बदमाश और दिनेश ये मौके से पकड़ा गया। ये बदमाश वही थे जिन्होंने 15 जुलाई को थाना शाही क्षेत्र में मिर्ज़ापुर गांव में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ फायरिंग करके लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ और इनकी निशानदेही पे दो और लोग गिरफ्तार हुए जिनके नाम नन्हे और छत्रपाल हैं, जो थाना मीरगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे लूट का जो माल था उसमें 8.5 किलो चांदी लगभग और लगभग 11 तोले सोने के आभूषण, 2 लाख रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल और 3 तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद हुए। इन्होंने 15 जुलाई को एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पूर्व में रेकी करके इन्होंने स्वर्ण व्यवसायी पर फायरिंग करके उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देके वहां से फरार हुए थे। तो इस तरह से 3 बदमाश जिन्होंने घटना कारित की थी, उसके अलावा इस पूरे प्लानिंग में सम्मिलित 2 अन्य आरोपी नन्हे और छत्रपाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक इसमें अपराधी जिन्होंने जो कि साजिश में शामिल था और जिसके यहाँ घटना करने के बाद ये अपराधी रुके थे, वो अभी फरार है। जल्दी उससे उसकी गिरफ्तारी और उससे और माल की बरामदगी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र तथा नगद पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जा रहा है। पकड़े गए बदमाश हैं, उनका अपराधिक इतिहास क्या है, हत्या या लूट के मामले में कभी जेल गए हैं? जो तीनों बदमाश जिन्होंने लूट की घटना को वहां पे मौके पे अंजाम दिया था, दिनेश, विपुल और जगपाल, इन तीनों का व्यापक आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर हत्या, चोरी, गैंगस्टर, लूट, हत्या के प्रयास इत्यादि अनेकों मुकदमे जो हैं वो इनके ऊपर हैं। इनकी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और आगे भी इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। क्या ये इंटरेस्टेड गैंग चलाते थे? और देखिए, इनका जो आपराधिक इतिहास और हम लोग खंगाल रहे हैं, इसमें दिखवाते हैं कि क्या ये यूपी से बाहर भी कहीं इन्होंने इस तरह की घटना कारित की गई कि नहीं। अभी इसमें विवेचना के दौरान अन्य चीज़ों को भी हम लोग छानबीन करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, एक मामला है गाय वाला, क्या मामला है पूरा बता दीजिए। आज दिनांक 22/8/2020 को ग्राम रामपुर वालों ने थाने में सूचना दी कि अज्ञात ट्रेन से कुछ गोवंशीय पशु रन ओवर हो गए। इस सूचना पर थाने की पुलिस और जीआरपी पुलिस पहुंच गई, जिसमें 13 गाय का पीएम करा दिया गया और 2 गाय का पशु चिकित्सालय में भिजवा दिया गया है और बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाय थी और कितने लोग गायों की मौत हुई है, कितनी गाय थी? 15 कुल गोवंशीय पशु 15 थे, जिसमें से 13 की मृत्यु हो गई है, 2 पशु चिकित्सालय में भिजवा दिया गया है। कौन से पशु थे, ये क्या कहते हैं, पशुशाला वाले थे या पालतू थे? अब ये अभी जानकारी नहीं हो, घुमंतु बताए जा रहे हैं। कापटाएंगे जी बता। ईसी पाल, प्रदेश महासचिव थे हिंदू जागरण एकता संघ का उत्तर प्रदेश। आज क्या कार्यक्रम है आप? जो एक परंपरागत प्राचीन तरीके से गणेश चतुर्थी का एक भव्य आयोजन यहाँ सिविल लाइन्स में हुआ करता था, कोविड-19 महामारी के तहत इसको स्थगन करते हुए उन मान्यताओं का अति सूक्ष्म तरीके से
सोशल डिस्टेंसिंग जो 1985 का अमेंडमेंट हमारा जो लॉकडाउन एक्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस के अनुसार मात्र 5 से 10 लोगों के बीच में विधिवत तरीके से हम इसका अनुपालन और सूक्ष्म मान्यताओं के आधार पर निर्वहन कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि इस समय हमें सरकार शासन और इस महामारी के तहत ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि इस महामारी से हम सबको जो है निजात दिलाएं किसी भी तरह से, और जिससे कि कोई किसी तरह की कोई व्यवधान ना फैले और विधिवत इस मान्यताओं का निर्वहन किया जा सके सिर्फ, ताकि आगे भविष्य में हम ठीक रहें, स्वस्थ रहेंगे तो इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से प्रभु की कृपा से हम आयोजन कर सकें। बहुत सुंदर।